हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस प्यारे से हार्ट शेप केक की रेसिपी, जिसे हमने बिना केक टिन का यूज़ किए, बिना बेक किए हुए 15 मिनट में बना लिया है। तो चलिए इंस्टेंट से बनने वाले इस केक की रेसिपी को जानते हैं, जिसे आप किसी भी ओकेजन पर, जैसे एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर, वैलेंटाइन डे पे या क्रिसमस पर, इजीली मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आपको सिर्फ 9 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हर एक ब्रेड की इस तरह से कॉर्नर कट करके अलग कर देना, और इन कॉर्नर्स को फेंकना नहीं है। मैंने और भी रेसिपीज शेयर की है ब्रेड के कॉर्नर्स का यूज़ करके क्या क्या बनाया, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमने सारे ब्रेड्स के कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम 6 ब्रेड को कटोरी की हेल्प से सेमी सर्कल में कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्रेड के कटोरी के दोनों कॉर्नर्स ब्रेड को आधा कट करेंगे, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम चाकू की हेल्प से इसे इजीली कट कर लेंगे। ब्रेड तो हमारा सेम रहना चाहिए और आधा हमारा सेमी सर्कल में कट हो जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, हमारा आधा ब्रेड तो सेम है और आधा सेमी सर्कल में कट हुआ है। इस तरह से आपको 7-6 ब्रेड को कट करना है। अब मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट लिया है। डार्क दोनों कंपाउंड्स को हम इस तरह से कट कर लेते हैं और इसे डबल बॉयलर की हेल्प से इसे मेल्ट कर लेंगे। जिन लोगों को डबल बॉयलर नहीं पता, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको एक तपेली में पानी गर्म करना रहेगा, उसके ऊपर चॉकलेट वाला बर्नर रखना रहता है और उसे लो फ्लेम पर इस तरह से मिक्स करते जाना है चॉकलेट को। चॉकलेट आपका थोड़े टाइम के बाद इस तरह से पिघल जाता है। आप सिर्फ चॉकलेट कंपाउंड का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं, व्हाइट कंपाउंड का होना ज़रूरी नहीं है। अब हम एक कटोरी में शुगर सिरप तैयार करते हैं। तो मैंने 1 चम्मच शुगर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जब तक शुगर पानी में डिजोल्व ना हो जाए। इसे बनाकर अलग रख देते हैं और अब हम केक बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम एक प्लेट में चॉकलेट्स इस तरह से लगा देते हैं और इसके ऊपर ब्रेड को चिपका देते हैं। आपको इस तरह से हार्ट शेप तैयार करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा हार्ट शेप बनकर तैयार हुआ है और बिना किसी केक टिन का यूज़ किए हुए। तब हम इस ब्रेड के ऊपर शुगर सिरप लगा देंगे और इसके ऊपर चॉकलेट्स लगा देंगे। ये केक बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप एंड मोमेंट पर किसी के लिए भी बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। यदि आप न्यू विजिटर हैं, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इस चॉकलेट्स के ऊपर हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देते हैं और अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ब्रेड रखते टाइम थोड़ा प्रेस ज़रूर कीजिएगा इसे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको यदि हमारा ये रेसिपी का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अगेन हम थर्ड लेयर तैयार करेंगे। तो थर्ड लेयर में भी इस तरह से हम ब्रेड लगा देते हैं और इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए जाते हैं। इसके ऊपर अच्छे से शुगर सिरप लगा देते हैं, ताकि हमारा ब्रेड अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसके ऊपर जब हम चॉकलेट लगाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्रेश मलाई ऐड कर लेते हैं, ताकि इसका टेक्सचर अच्छा सा क्रीमी हो जाए। आप चाहें तो पहले भी जब हमने चॉकलेट्स यूज़ किया था वहाँ पे भी मलाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप जब हमारा चॉकलेट मेल्ट होता है तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसे ऐड कीजिएगा, और इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना रहेगा। आप देखेंगे कि मलाई डालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाता है और शाइनी भी हो जाएगा। तो अब ये हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसे ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं अच्छी तरह से। इसे हमें ब्रेड पे तो लगाना ही रहेगा, जो साइड्स के कॉर्नर्स है उसे पे भी अच्छी तरह से इवनली फैलाना पड़ेगा। हम इसे सारी कॉर्नर्स पे और सारे ब्रेड्स पर इवनली स्प्रेड कर देते हैं।
अब हमने पूरे केक पर चॉकलेट को अच्छी तरह से लगा दिया है और अब इसकी एजेस को थोड़ा शार्प करने के लिए चाकू को पानी में भिगोते जाते हैं और इस तरह से हम इसे क्लीन करते जाते हैं और एजेस को अच्छे इस तरह से शार्प कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि बिना किसी केक टूल का यूज़ किए हुए हमने चम्मच और चाकू के हेल्प से कितना प्यारा हार्ट शेप केक बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये बहुत ही दिखने में बहुत ही प्यारा है, कोई भी इसे इजीली इस तरह से घर पर बना सकता है। तो अब हमारा ये केक पे फ्रॉस्टिंग अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में 10 मिनट रखने के बाद अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर रेड वेलवेट पाउडर रखा हुआ था पहले से, इसलिए मैं इसी से डेकोरेट कर रही हूँ। इस तरह से छिड़क देंगे सारा पाउडर केक पर। और यदि आपके पास यह नहीं है तो आप इसके ऊपर चॉकलेट लगा कर या फिर वाइट चॉकलेट से कुछ भी मैसेज लिखकर या टूटी फ्रूटी से कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ करके आप केक को डेकोरेट कर सकती है इजीली। तो मैंने यहाँ पर ये रेड वेलवेट केक पाउडर लगा दिया है इस पर बहुत अच्छी तरह से, और ये जो एक्स्ट्रा पाउडर गिरा हुआ था इसे भी हम साफ़ कर लेंगे। और इसके ऊपर थोड़े से रोज़ के पत्तियाँ थी मेरे पास, तो वही उसी से मैं डेकोरेट कर देती हूँ इसे। इस तरह से दिखने में ये बहुत ही प्यारा दिखेगा। तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं, आपको यह रेसिपी का वीडियो इजी लगा या नहीं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो विजिटर्स को पसंद आ रहा है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।